हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शशांक तिवारी एंड दिस इज़ माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब के एक नए अपडेट के बारे में। अगर आप भी एक यूट्यूब क्रिएटर हो और आपका कंटेंट फूड से रिलेटेड है तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हो तो आपका चैनल भी डिलीट हो सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो इस अपडेट के बाद YouTube ने फूड रिलेटेड कंटेंट पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। अगर आपका फूड से रिलेटेड चैनल है तो आप भी प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे अब आपको बहुत सोच समझ के ही फूड से रिलेटेड कंटेंट बनाना है। दोस्तों, फूड रिलेटेड चैनल सिर्फ कुकिंग का नहीं होता जिसपे आप कुकिंग करना सिखाते हो। अगर आपके किसी भी कॉन्टेंट में फूड का टॉपिक आ रहा है या फूड से रिलेटेड कुछ अपने वीडियो में शो कर रहे हो, तब भी दोस्तों वो फूड रिलेटेड कॉन्टेंट ही माना जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हुआ क्या है कि अब YouTube ने एक थर्ड पार्टी से कोलैब किया है, नेडा, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल ईटिंग डिसऑर्डर एसोसिएशन। दोस्तों, ये जो पॉलिसी है, ये जो एक अपडेट आया है, ये इसमें है क्या कि अब YouTube एक थर्ड पार्टी से कोलैब कर रहा है जो नेडा है, एंड इसके साथ कोलैब करके अब दोस्तों यही चीज़ चेक की जाएगी YouTube पे कि कौन से कॉन्टेंट ऐसे हैं जिसमें फूड से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ दिखाई जा रही है जिससे ईटिंग डिसऑर्डर हो रहा है। दोस्तों, फूड का चैनल सिर्फ कुकिंग चैनल नहीं होता। जैसे आपको भी पता होगा, बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं यूट्यूब पे जिसे कुछ चैलेंजेस दिखाया जाता है या आपको कुछ भी करना है तो उसमें ईटिंग से रिलेटेड दोस्तों कुछ ना कुछ आपको टिप्स दी जाती है या बहुत सारे चैलेंजेस वीडियो भी बनते हैं। जैसे आप एक सेकंड में कितने रेड चिलीज खा सकते हो। तो दोस्तों, ये जितने भी ऐसे कॉन्टेंट बनते हैं अब यूट्यूब उसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा, क्योंकि वो दोस्तों किसी के हेल्थ को हार्म कर सकता है। इसीलिए यूट्यूब ने अब दोस्तों ये अपडेट लाया है। और अगर अब यूट्यूब पे कोई भी ऐसा कंटेंट बनता है जिससे व्यूअर्स की हेल्थ में इशू आता है, तब दोस्तों उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और यही पूरा अपडेट है ये फूड रिलेटेड कंटेंट के ऊपर। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, अगर कोई क्रिएटर ऐसा कोई वीडियो बनाता है जिसमें फूड से रिलेटेड कोई चैलेंज हो रहा है या कोई टिप्स दी जा रही है कि फूड से ये खाने से ऐसा होता है, तो दोस्तों वो सब में एक्शन क्या लिया जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये सारा काम व्यूअर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हो रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी पेनाल्टीज। अगर कोई भी क्रिएटर ऐसा कोई कॉन्टेंट बनाता है तो दोस्तों सबसे पहला जो इसमें पेनाल्टी है वो ये है कि आपके उस वीडियो को एज रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाएगा और वो लिमिटेड हो जाएगा। एंड सेकेंड थिंग ये दोस्तों कि अगर कोई अपने चैनल पे ऐसा कोई कंटेंट डालता है तो उस वीडियो को, पर्टिकुलर वीडियो को डिलीट भी किया जाएगा। और दोस्तों, अगर तब भी कोई नहीं मानता है और अपने चैनल पे ऐसा कोई वीडियो अपलोड करता है तो आने वाले टाइम पे और भी स्ट्रिक्ट रूल यूट्यूब की तरफ से लिए जाएंगे। तो ये था पूरा अपडेट जिसे मैंने आपको बताया इस फूड रिलेटेड पॉलिसी के बारे में। मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, अगर आपका भी फूड से रिलेटेड चैनल है तो ये सारे टाइप के वीडियो आप अपने चैनल पे मत अपलोड करना। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।